ਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਚ ਦੁੱਧੀ ਬਣੇ ਸੀ ਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1984 ਐਫਐਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਬਾਂਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ अभी फिलहाल हसीब साहब आज पहले दिन हमारे साथ आए हैं जी वॉक करने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे डंबल पड़ा होता था ना वो गायब गुब हो गया था, लेकिन जो यहाँ पे वो बाबा जी होते जिनके दो तीन मरतबा जिनको भी आपने ब्लॉग में देखा है तो उनके पास अंदर पड़ा हुआ था वैली में, वहाँ से जाके डंबल उठाया फिर उसको सरा लगाया, थोड़ा सा बॉडी को सेट किया क्योंकि आजकल जो है ना रोज़ा रखने के बाद जब हम अफ्तारी के बाद ज़्यादा खा लेते हैं ना तो वो पता नहीं अजीब सा ही मोर हो जाता है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वापसी घर की तरफ, टाइम होने वाला है, उमर को स्कूल छोड़ने जाना है और वलीद ने भी जाना है अपने छोटे भाई को छोड़ने के लिए स्कूल। सीब साहब ने जाके अपनी ड्यूटी देनी है गुड्डों की, उन्होंने जाके उनके जो है ना मीटिंग होने वाली छत पर सारे उनके जो मेम्बर्स हैं ना मेम्बरान हैं जो सीब साहब की पार्टी के, अभी सुबह सुबह उन्होंने जो है ना अपनी कॉन्फ्रेंस छत पे उड़नी है विद हमजा, नहीं विद हमजा की मैच चला आजकल छोड़ी है, पबजी पकड़ी हुई है, पबजी पकड़ी हुई, पबजी की पार्टी जो है ना वो अभी इनका इंतजार कर रही है। बस मैं आपको नाइट कैन के बीच 3 सप्लाई वाले साहब ने मोबाइल पकड़ के तोड़ दी, अब 12 समय अगर सप्ली है तो अब वाले साहब इसको तोड़ देंगे। नहीं पिछले साल वाले साहब ने इसका मोबाइल दीवार में मारा था, अब इस साल वाले साहब इसको दीवार में मारेंगे। आपको एक चीज चेक कराता हूँ, ये है हमारे मल्ले का मीनार, इतनी दूर है हम, इसका जूम चेक करें कि तो आपको इतनी पास ले गया उसके, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। एक और बात, आज जो है ना चांद बड़ा ही कोई ना खूबसूरत किस्म का निकला हुआ था, मतलब कि ना बड़ी इसकी शेप उसने आज चांद ने निकाली है, बड़ा ही कोई आज खूबसूरत लग रहा था। लेकिन बात की बात, जो व्यू जो मतलब नेचर को मतलब आप अपनी आंखों से देख लेते हो ना वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। अब जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना वो कैमरा ने कैप्चर ही नहीं किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कैमरा दोबारा कैप्चर करे और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त देता हूँ हसीब साहब को कि वो यहाँ पे आएँ और मंच पे आकर दो अल्फाज बयान करें। सीब साहब अल्फाज अल्फाज बयान, चलो आज अभी फिलहाल चल ये पहाड़े गए तू तक ही नहीं बजता, कट्टा पुतरते हुए ना बड़ा पैड़ा जाना सी। आए चल What? Do this.
जित गए संभल जाए पालू उधर ला हूं भजन लग पी ऐ तेरे ते बूट मार गया ये ने नसरा अजन फड़ा ही फड़ा इधर फड़ा ए बजरी नी नु बाजी कटोटी जानी Assalamualaikum ladies and ladas. अभी फिलहाल हम लोग मैं और पापा आए हैं हमारी नई बाइक लेने के लिए, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। टेक्निक बड़ी गड्डी अभी पानी के अंदर बैटरी के अंदर पानी फिल किया जा रहा है। मैं और पापा आए हैं बाइक लेने के लिए। आज हमारी जो है बाइक, हमने बाइक को पहले ही बुक करवा दिया था लेकिन आज रिसीविंग थी, आज हमें बाइक रिसीव मिल मतलब आज हमें बाइक मिलनी थी। तो मैं और पापा, पापा ने मुझे कहा कि चलते हैं आज बाइक लेने के लिए। पहले हमने पेट्रोल पंप से इसमें पेट्रोल डलवाया, वो जो बोतल में आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे आके कुछ पेपर वर्क था वो किया, उसके अंदर पेट्रोल डाला। अब इसकी थोड़ी सी जो सेटिंग वगैरह रहेगी वो कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह करने के बाद हमें बाइक दे देंगे फिर हम इसे लेके चले जाएंगे। बाइक जो है हमें रिसीव हो चुकी है और पापा अभी से लेके जाने वाले हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमारी हमें रिसीव हो चुकी है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, पापा भी जा रहे हैं घर। घर जाके फिर अभी इसको देखते हैं खड़ी कहाँ करना। मेरे हिसाब से ना नानो घर खड़ी करूंगा इसे, क्योंकि हमारे घर में अभी जरा जगह नहीं है। हमारे घर पहले ही दो बाइक खड़ी हैं, वो मैं और ये जा रहे हैं पापा नई बाइक लेके। अब मैं साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि मेरा जो 125 है ना, वो मैंने आज से एक हफ्ता पहले सेल कर दिया था। सेल किसको किया? हसनज के जो दोस्त है ना हाफिज अब्दुल रहमान, जो हमारे साथ भी लोग में आते रहते हैं, उन्हें सेल किया। उन्होंने मेरा 125 जो है बाई किया और पापा ने मुझे कहा कि आप जो है ना नई बाइक ले लो। मतलब नई बाइक का तो हमने पहले ही सोचा हुआ था, फिर हमने सेल करना था तो वो उन्होंने ले लिया। फिर पापा ने मेरी बाइक जो है ना 70 बुकिंग, मतलब ये बुकिंग पे आई है, पहले बुकिंग की आई, ये नहीं हुआ कि जाते साथ ले लिया। जैसे 125 किया था, हम 125 लेने के लिए गए थे तो हमें उसे वक्त मिल गया था, लेकिन इसको लेने के लिए हमें पहले क्रेडिट कार्ड के जरिए हमने लिया, तो पहले हमें इसे बुकिंग करवानी पड़ी है। बुकिंग करवाई है, फिर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के बाद हमें ये आज बाइक रिसीव हुई है 70। जहाँ से मैंने 125 लिया था मैंने वहीं से 70 ली है। अभी चलते हैं फिर इसके, अभी जब तक इसको नंबर नहीं लगेगा तो वो वार्डन वाले भी पकड़ लेते हैं, फिर इतनी पूछताछ करते हैं, वो बड़े रोले होते हैं। इससे अच्छा यही है कि जो एक हफ्ता या 2-3-4 दिन इसको खड़ा करना वो खड़ा करेंगे, नंबर लगवाएंगे, फिर इसको लीगली तरीके से चलाना शुरू करेंगे। तब तक हमारे पास ये भी है और हमारे पास एक और नई 70 है, उसकी भी कहानी मैं आपको कर जाकर बताता हूँ। अभी तक मैंने व्लॉग में उसका नहीं बताया हुआ। यहाँ से बाइक को अभी पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गली बन रही है, ये बड़ा रोला है यार। हमारी सुमान साहब के साथ आज मैं आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो फल वगैरह लेने, तो सुमान ने भी और मैंने भी अभी फिलहाल खजूरें लेने के लिए खड़े हुए हैं।
स्टेशन के पास ये भी एक तरह की इलीगल किस्म की कोई मंडी है, फ्रूट मंडी, ये इलीगल है। जब यहाँ पे वो आ जाते हैं ना, क्या उन्हें कहते हैं, बल्दिया वाले, तो ये इन्हें आंख उठा के ले जाते हैं इनकी रेहड़ियाँ, बाद में फिर इनको अपनी पड़ी होती है। लेकिन अभी फिलहाल ये कमाई कर रहे हैं, पड़ी जा रहे हैं फिलहाल। अभी हम लोग अगेन सामान लेने के लिए आए, नमाज पढ़ के खजूरें फिर से लेनी है, इसके बाद अपने फिर से मतलब हमारे घर का और सामान लेना है। चलते हैं सामान लेते हैं, और रफ्तारी में आधा घंटा रह गया है और रश बहुत ही ज्यादा है। मैं और उस्मान रश से बहुत ज्यादा भागते हैं, मुझे ना रश में घबराहट होने लग जाती है, अभी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। ले लिए और चलते हैं घर के लिए सामान, रूह अफजा और चीनी वो ले लिया है, पांजी आते हैं और चलते हैं। अभी फिलहाल सामान लेके घर पहुंचे ही हैं, अफ्तारी करते हैं जाके। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं लाइक सब्सक्राइब, लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, लाइक कर दें वीडियो को।